So this become a system of two charges. ये दो charges का system है. इसमें ये जो small q charge है, समझ, इसको आपने infinity से लाके इधर रखा है. मतलब इन दोनों charges को infinity से लाके यहाँ पे r distance पे आके रखा है इनको. इसके लिए जो work करना पड़ता है, the work which is done to bring the two charges from infinite distance to r distance. वर्क डन हमने कल फाइंड किया था. दैट वर्क डन इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्यू डिवाइड बाय आर. गलती से यहाँ पे आर स्क्वायर मत लिख देना. अगर आपने यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिया तो वो कूलम लॉ हो जाएगा एंड देन इट विल बिकम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. हमें फोर्स नहीं लिखना है, वर्क डन लिखना है. तो यहाँ पे गलती से भी आर स्क्वायर मत लिखना कभी भी. इट इज आर. So this is a work done to bring the two charges from infinite distance to finite distance. ये याद रखना. यही जो work है ना, मैंने कहा था ये increase in potential energy होता है. This work done is like a increase in potential energy. मतलब it will be equal to potential energy at r distance minus potential energy at infinity distance. Infinity पे potential energy zero ली जाती है. So this become potential energy of the two charges when they are r distance away. ये फॉर्मूला याद रखो. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि this is actually work done also. ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये actually work done है. Work और potential energy same ही है यहाँ पर, ठीक है. So I hope ये कल वाला point आपको याद है. आज पूरे lecture में कभी भी अगर मैंने आपको ये situation दिया फिर से कि दो charges हैं जिनको infinity से लाके r पे रखा है, तो उसके लिए जो वर्क होगा कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं, सो यू नीड टू आंसर मी दिस थिंग. इसको अपने थोड़े दिमाग में रखो, इस एक्सप्रेशन को. सिर्फ टॉपिक हो गया छोड़ दिया ऐसा मत करो. इसको दिमाग में रखोगे तो आगे पोटेंशियल समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है, क्लियर. चले आगे बढ़ते हैं. आज टुडे आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यू कैन पुट द हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल V, कैपिटल V. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले क्या होता है वो मैं बता देता हूं. सी, थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आज थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. थोड़ी जानकारी होनी चाहिए आपके पास. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर होता है, उसमें आपने बहुत बार ये वर्ड सुना है, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस विच इज मेजर्ड इन वोल्ट्स. पोटेंशियल डिफरेंस तभी समझ में आता है जब आपको पोटेंशियल पता हो पहले. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पोटेंशियल. इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सबसे पहले यहां से ध्यान से देखना. अभी सपोज ये एक प्लस क्यू चार्ज है. एक चार्ज है प्लस क्यू. आप सबको मालूम है कि ये जो चार्ज है वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है. सपोज ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. देखिए ये पूरा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं अगर अलग अलग पॉइंट्स ले लूं, इफ आई टेक वेरियस पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये देखिए, सपोज ये हमने ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट्स ले ली. आपने पहले आपने एक चीज सुनी है कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफरेंट एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफरेंट एट सी पॉइंट. जैसे हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे ही हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल भी होता है. पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज लेट से वी वन, पोटेंशियल एट बी पॉइंट इज वी टू, पोटेंशियल एट सी पॉइंट इज वी थ्री. तो पोटेंशियल पॉइंट के साथ चेंज होता है. As you change the point, the potential will change. पहले आप एक चीज ध्यान में रखो, potential changes with a point. If you take different different points in the electric field, at different different points, the potential will also be different different. ठीक है. Potential point के साथ बदलता है. अलग अलग points पे अलग अलग potential होता है. पहली चीज, ठीक है. तो जब भी मैं बोलूंगा ना कि potential calculate करो, so obviously मुझे पॉइंट भी देना पड़ेगा. आई कैन आस्क यू टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट ए. आई कैन टेल यू
टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी और सी, ठीक है, तो बिना पॉइंट दिए आप पोटेंशियल नहीं फाइंड कर सकते. पोटेंशियल एक पॉइंट पर फाइंड किया जाता है. रिमेंबर दिस पॉइंट. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज पोटेंशियल, बट थोड़ा ध्यान में रखो कि पोटेंशियल हर पॉइंट पे अलग अलग होता है. ठीक है, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज अ पोटेंशियल एट अ पॉइंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज अ पोटेंशियल एट अ पॉइंट. ध्यान से देखो, ये डायग्राम को ही कंटिन्यू करते हैं. ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट. इस इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे खत्म होता है, वेयर एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होने के बाद द रीजन इज कॉल्ड एज इंफिनिटी. इंफिनिटी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर वाले रीजन को बोलते हैं. वेयर एवर इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट्स, उसके बाद जो होता है उसको इन्फिनिटी बोलते हैं. एक्चुअली में ऐसा माना जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अप टू इन्फिनिटी. बहुत दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है. जहां इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी, दैट विल बी द इन्फिनिटी डिस्टेंस. ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. सपोज इन्फिनिटी पे एक चार्ज है, ध्यान से सुनना. इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे एक चार्ज है क्यू नॉट. इसको कभी कभी टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं. छोटा सा चार्ज है विच इज एट इन्फिनिटी, इट्स क्यू नॉट. ठीक है, इस चार्ज को हम लोग ने इन्फिनिटी से लाके, आई एम ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लाके सी पॉइंट पे रखा. सी पॉइंट इन्फिनिटी पे नहीं है, सी पॉइंट इज वेरी मच इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्यू नॉट चार्ज को मैंने इन्फिनिटी से लाके सी पॉइंट पे रखा. ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सोच के बताना, क्यू नॉट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड केप्ट एट सी पॉइंट. ठीक है, तो उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट? कुछ वर्क करना पड़ेगा. लेट से डब्ल्यू इज अ वर्क डन टू ब्रिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी पॉइंट. इधर लिख देता हूं मैं, इट्स अ वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी पॉइंट. ये वर्क डन है टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी पॉइंट. ये वर्क डन. अब इसको अगर मैं डिवाइड बाय क्यू नॉट कर दू, इफ आई डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, सो दिस विल बिकम वर्क डन पर यूनिट. इट विल बिकम वर्क डन ऑन द वन कूलम्ब ऑफ चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी. डिवाइड बाय क्यू नॉट किया देखो, तो ये क्या बन जाएगा. इफ यू डिवाइड बाय क्यू नॉट, इट विल बिकम वर्क डन, और इट विल बी वर्क डन पर चार्ज. इट विल बी वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये जो है ना, यही है पोटेंशियल एट पॉइंट सी. पोटेंशियल एट पॉइंट सी क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज एक्चुअली वर्क डन टू ब्रिंग वन कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी पॉइंट. ठीक है, एक कूलम के चार्ज के ऊपर आप जितना काम करते हो ना, द वर्क डन ऑन स्ट्रिक्टली वन कूलम्ब ऑफ चार्ज, उसको बोलते हैं पोटेंशियल. मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं और फिर से इसको डिस्कस करेंगे. पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, ये देखो पहले, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन. तो पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है, पोटेंशियल एक्चुअली वर्क डन होता है. इट्स अ वर्क डन ऑन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज. ठीक है, वर्क डन ऑन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज टू मूव इट, टू मूव इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखा है, इससे और सिंपल आप नहीं कर सकते इसको. पोटेंशियल क्या होता है, इट्स अ वर्क डन टू ब्रिंग वन कूलम्ब ऑफ चार्ज, स्ट्रिक्टली एक कूलम्ब के चार्ज के ऊपर जो आप वर्क करते हो उसी को पोटेंशियल बोलते हैं. तो पोटेंशियल एक टाइप का वर्क है, इट्स अ काइंड ऑफ अ वर्क. तो पोटेंशियल एक वर्क ही है सिर्फ, विच इज डन ऑन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. अगर आपने इन्फिनिटी से सी पॉइंट तक लाया, सो इट विल बी पोटेंशियल ऑफ सी पॉइंट. इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाया, सो इट विल बी पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट. ठीक है, सो पोटेंशियल इज अ वर्क डन ऑन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी
टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपको पोटेंशियल ए पॉइंट का फाइंड करना है, ध्यान से सुनो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, सो इट इज वर्क डन ऑन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। 1 कूलम्ब के चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क होगा ना, वो है ए पॉइंट का पोटेंशियल। बात समझ में आई? पोटेंशियल में अगर कुछ भी डाउट है अभी तो क्लियर करो, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, नोट डाउन। अगर आपने नहीं किया तो नोट कर लो जल्दी से। ये आपने स्कूल में भी 10th स्टैंडर्ड या 9th में भी सुना होगा, वर्क पर चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क अपॉन चार्ज। हेलो सर, हाँ बोलो, थोड़ा ऊपर दिखाओ ना सर, थोड़ा सर और थोड़ा ऊपर, बस बस। अभी किसी ने ये डाउट पूछा है कुछ, अमन कुमार नहीं कोई और, जिसने पहले कुछ नेगेटिव चार्ज के बारे में पूछा है, क्या पूछा है? माइक ऑन करके पूछो। सर अगर नेगेटिव चार्ज को इंफिनिटी से सी पे लाया तो फिर वो माइनस में आएगा वर्क? नहीं, डेफिनेशन जो है ना पोटेंशियल का, पोटेंशियल का डेफिनेशन है कि आपको +1 कूलम का चार्ज ही लाना है, -1 नहीं लाना है। +1 के लिए जो वर्क होता है उसी को पोटेंशियल बोलते हैं। आपने माइनस लाया ना, ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली नेगेटिव वर्क होगा, लेकिन वो डेफिनेशन में नहीं आता है। डेफिनेशन बोलता है कि आप -1 नहीं लाना चाहिए, आपको +1 ही लाना चाहिए। क्या होगा कि हम लोग अगर सब कुछ अलाउ करेंगे, -1 भी अलाउ करेंगे, +1 भी अलाउ करेंगे, तो पोटेंशियल अलग अलग आएगा। माइनस वाले जो लेके आएंगे उनका पोटेंशियल माइनस में आएगा, जो प्लस लेके आएंगे चार्ज उनका पोटेंशियल प्लस में आएगा, तो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। डेफिनेशन एक ही होना चाहिए सबके लिए। तो रूल ये है कि हमने +1 कूलम के लिए डिफाइन किया है कि जितना चार्ज, जितना वर्क आप 1 कूलम को लाने के लिए करते हो ना, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। स्टूडेंट आई होप ये डेफिनेशन क्लियर है। हाँ, अमन कुमार ने अभी एक पूछा था कि सर यूनिट जो है पोटेंशियल का वो जूल पर कूलम होना चाहिए। यस, देखो मैं अभी यूनिट समझा देता हूं स्टूडेंट। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन ऑन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज to bring it from infinity to that point. So work upon charge, देखो W by Q is actually potential. ऐसे लिखा जा सकता है, potential is work upon charge. ठीक है? अभी तक हमने potential की कोई formula नहीं बनाई है, सिर्फ अभी तक definition देखा है. But potential की ये एक formula हम लोग बना सकते हैं. It's work done divided by charge. So it become work done per charge. तो इसमें से अमन कुमार ने सोचा कि इसमें से unit निकाल सकते हैं. Work done होगा joules में. The unit of work done is joule, unit of charge is coulomb. So unit of potential is coming joule per coulomb, joule per coulomb. ये बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है. Joule per coulomb is a unit of potential, no doubt. आप लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं है इसमें. लेकिन हमने क्या किया है, joule per coulomb को replace करके हम लोग volt लिखते हैं. We write down joule per coulomb as a volt. वोल्ट एंड जूल पर कूलम्ब आर वन एंड द सेम थिंग. जूल पर कूलम्ब को हटा के हमने वोल्ट लिख देते हैं. दैट्स व्हाई वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल. बट असली में जो उसका यूनिट है वो जूल पर कूलम्ब भी होना चाहिए एक्चुअली. रियल यूनिट इज जूल पर कूलम्ब, बट वी राइट इट एज वोल्ट. यूनिट भी आई थिंक क्लियर हो गया अभी. दिस इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल, वोल्ट. ठीक है, अब देखो हम लोग फॉर्मूलास वगैरह सब बनाएंगे, डोंट वरी, वी विल डेवलप फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एंड ऑल. और सिंपल है वो, कुछ हार्ड नहीं है. लेकिन अभी भी अगर किसी को पोटेंशियल समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, क्यों हमने ये पोटेंशियल वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एनालॉगस एग्जाम्पल दे देता हूँ, मतलब एक सिमिलर एग्जाम्पल, जिससे आई थिंक ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी कि व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल. देखिए जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो आपके
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम का नहीं होगा, आपको एग्जाम में कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन आपकी अपनी नॉलेज बढ़ेगी कि पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है. आपने बहुत जगह पे पोटेंशियल सुना होगा, 440 वोल्ट्स डेंजर, लोकल ट्रेन्स के ऊपर जो वायर चलती है उसमें बोलते 25,000 वोल्ट का वोल्टेज है. वोल्टेज वर्ड आपने 10 बार सुना होगा डेली लाइफ में, वोल्ट, वोल्टेज, पोटेंशियल. ये होता क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो मैं बता देता हूँ. उसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेता हूँ. देखो, सपोज ये एक मेटल की प्लेट है, ठीक है, एक मेटल की प्लेट है. फिलहाल ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं रखा है हमने, इट्स अ न्यूट्रल, ठीक है. ये है इन्फिनिटी, मतलब इस प्लेट से काफी दूर, इस प्लेट से काफी दूर हम लोग इन्फिनिटी लेते हैं. सपोज ऐसे इमेजिन करो आइडियली कि किसी ने ये क्यू चार्ज लिया और यहाँ पे आके रखा, ठीक है, कोई क्यू चार्ज लिया यहाँ पे आके रखा. ये इन द प्रैक्टिकल केसेस हम लोग ऐसे हाथ से उठा के नहीं रखते हैं. प्रैक्टिकल केसेस में बैटरी जो होती है, बैटरी, बैटरी चार्ज को यहाँ पे आके रख सकती है. प्रैक्टिकल केसेस में सपोज किसी बैटरी ने यहाँ पे आके चार्ज रखा, इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा, द वर्क दैट यू हैव टू डू, उसको बोलते हैं द वर्क डन विच इज, वर्क विच इज डन टू ब्रिंग इट ऑन दिस, उसको बोलते हैं पोटेंशियल. देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. सर यहाँ से मैंने 1 कूलम का चार्ज लेके आगे यहाँ पे रखा, 1 कूलम का, उसके लिए मैंने 5 जूल्स का वर्क किया. जस्ट एग्जाम्पल, 1 कूलम का चार्ज मैंने यहाँ पे आके रखा, उसके लिए 5 जूल्स का वर्क किया. तो यू नो फाइव, आई कैन से फाइव इज अ पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट, इस प्लेट का पोटेंशियल 5 हो गया. अब नेक्स्ट 1 कूलम का चार्ज मैं आके आगे रखता हूँ, नेक्स्ट 1 कूलम. जब आप नेक्स्ट 1 कूलम का चार्ज लाओगे ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट था, वो नेक्स्ट 1 कूलम जब आप लेके आओगे उसको रिपेल करेगा. नेक्स्ट 1 कूलम चार्ज लाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. लेट से 6 जूल का वर्क किया नेक्स्ट कूलम को लाने के लिए, 6 जूल, तो पोटेंशियल 6 हो गया. पोटेंशियल नाउ बिकम 6. द वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल ना, पोटेंशियल 6 हो गया. अब अगला 1 कूलम का चार्ज, नेक्स्ट 1 कूलम का चार्ज आप लेके आओ और रखो यहाँ पे, तो पोटेंशियल और बढ़ जाएगा. नाउ पोटेंशियल विल बिकम 7 जूल. तो जैसे जैसे इस मेटल की प्लेट के ऊपर आप चार्ज रखते जाओगे, एज यू स्टोर मोर एंड मोर चार्ज ऑन दिस प्लेट, जैसे जैसे आप चार्ज रखते जाओगे इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, ठीक है. सब ऐसे करते करते इस प्लेट का पोटेंशियल हो गया 25,000 वोल्ट. 25,000 वोल्ट इसका पोटेंशियल हो गया. इसका मतलब है 25,000 वोल्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब है 25,000 जूल्स ऑफ वर्क हैज टू बी डन नाउ टू ब्रिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट. अगर किसी जगह का पोटेंशियल 25,000 वोल्ट है, आपने शायद कभी सुना होगा लोकल ट्रेन के ऊपर जो वायरिंग होती है ना, उसमें 25,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी होती है. क्या मतलब है इस 25,000 वोल्ट का, इसका मतलब है अगर किसी जगह का पोटेंशियल 25,000 वोल्ट है, तो इसका मतलब है नाउ द वर्क डन टू ब्रिंग नेक्स्ट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट विल बी 25,000 वोल्ट. 25,000 जूल का काम करना पड़ेगा टू ब्रिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, ठीक है, क्लियर. एक मतलब इसका ये होता है, इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है 25,000 वोल्ट. यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लो, ये सपोज पॉइंट, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज डिपॉजिटेड, यहाँ पे पोटेंशियल है 0 वोल्ट. या अभी किसी एक स्टूडेंट ने बोला सर 1 कूलम एक्चुअली में तो बहुत ज्यादा होता है. यस, 1 कूलम एक्चुअली ज्यादा होता है, ठीक है. यहाँ पे डेफिनेशन वही कहता है, डेफिनेशन इज दैट ओनली द वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. सो देखो यहाँ पे जो आपने चार्जेस रखे है ना, जैसे जैसे चार्जेस आप बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा. तो उस पोटेंशियल अभी इस प्लेस का हो गया 25,000 वोल्ट. और यहाँ पे एक प्लेस है जिसका पोटेंशियल मैंने आर्बिट्री डिफाइन किया है 0 वोल्ट. मतलब यहाँ पे चार्ज लाने के लिए कोई वर्क नहीं होगा. एक्चुअली इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है. पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन एज 0.
इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस कितने का हो गया, डिफरेंस हो गया 25,000 वोल्ट, ठीक है। तो आपने सुना होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25,000 वोल्ट इज वेरी डेंजरस, बहुत हार्मफुल पोटेंशियल डिफरेंस है ये। ये डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि बाय चांस अगर आपने ये दोनों पॉइंट जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 25,000 वोल्ट, बाय चांस आपने इन दोनों पॉइंट को अगर कनेक्ट कर दिया, यू कनेक्ट देम किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो ये जो सारे चार्जेस है ना वो हाई पोटेंशियल से, दिस इज हाई पोटेंशियल है ये, हाई पोटेंशियल से ये चार्जेस लो पोटेंशियल की तरफ क्विकली फ्लो हो जाएंगे। और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 25,000 है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना तेजी से ये चार्जेस फ्लो होंगे। ये चार्जेस जब फ्लो होंगे ना, तो जिस बॉडी से ये फ्लो होंगे, सपोज ये आपकी बॉडी से ऐसे फ्लो हो रहे, दिस इज योर बॉडी, आपकी बॉडी से फ्लो हो रहे, तो ये जो चार्जेस बहुत तेजी से आपकी बॉडी में फ्लो होंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा तेजी से ये फ्लो होंगे तो आपकी बॉडी से बहुत हाई करंट गुजरेगा, वेरी हैवी करंट विल फ्लो थ्रू योर बॉडी, और उसकी वजह से जो हीट बनेगी उस हीट से आप जल जाएंगे। आपको भी पता है 25,000 वोल्ट को कोई टच करता है तो जल जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आपने सिर्फ 25,000 वोल्ट की लाइन को टच किया है, जीरो वोल्ट को टच नहीं किया है, आपने यहां पे टचिंग किया है, इसको टच नहीं किया है, मतलब ये सर्किट कंप्लीट नहीं किया है, दोनों साइड को नहीं छुआ है, एक साइड को छू लिया है, दूसरे साइड को टच नहीं किया है, आपने 25,000 वोल्ट की लाइन को हाथ में पकड़ा है, जीरो वोल्ट को नहीं पकड़ा है, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। इसलिए जो कौवे बैठते हैं ना ये वायर के ऊपर, नॉर्मली रोड्स पे जो वायर लगी हुई है उस पर कौवे जाके बैठ जाते हैं क्रॉस, उनको शॉक नहीं लगता है, क्योंकि वो 25,000 वोल्ट को पकड़ लेते हैं, सपोज जीरो को नहीं पकड़ते, शॉक नहीं लगता है। दोनों को पकड़ोगे तो शॉक लगेगा और सीधा हैवी करंट विल फ्लो थ्रू यू। इसलिए कहा जाता है कि पोटेंशियल बहुत हाई पोटेंशियल इज डेंजरस। तो पोटेंशियल क्या होता है, जैसे जैसे आप कहीं पे चार्ज रखते जाते हो ना, एज यू कीप ऑन चार्ज ऑन एनी पॉइंट, उस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ते जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कम चार्ज रखोगे तो कम पोटेंशियल होगा, ज्यादा चार्ज यहाँ पे रखोगे तो ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो यहां से पोटेंशियल की इंपॉर्टेंस आती है, ठीक है। अमन कुमार पूछ रहा है कि सर व्हाट इज मोर डेंजरस, वोल्टेज और करंट। ये बोल रहा है व्हाट इज मोर डेंजरस, वोल्टेज और करंट। देखो एक्चुअली में तो क्या होता है, बालाजी मूपनार बोल रहे हैं सर दोनों ही डेंजरस है, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं आपके अभी इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। देखो एक्चुअली में कहा यह जाता है कि दोनों इक्विवेलेंट हैं, मतलब अगर आप ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे ना, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर, वोल्टेज इज मोर, वोल्टेज ज्यादा है, तो कभी ऐसा होता है कि नॉर्मली वोल्टेज जब ज्यादा होता है तो करंट भी ज्यादा ही फ्लो होगा, लेकिन लेकिन अगर सपोज वोल्टेज बहुत हाई है, एक साइड आपने 25,000 वोल्ट लगा दिया, दूसरे साइड जीरो वोल्ट है, लेकिन सपोज आपने इन दोनों कनेक्ट ही नहीं किया, कनेक्ट ही नहीं किया दोनों को, तब शॉक लगेगा क्या? 25,000 वोल्ट वाली लाइन और जीरो वोल्ट वाली लाइन को आपने कनेक्ट ही नहीं किया तो शॉक लगेगा क्या? नहीं। तो ये जो मैंने अभी केस बताया 25,000 वोल्ट है और जीरो वोल्ट है, मतलब वोल्टेज तो बहुत हाई है लेकिन मैंने कनेक्ट ही नहीं किया, तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो मुझे शॉक कहां से लगेगा? तो डेंजरस होता है करंट। अगर करंट है ही नहीं, भले आप वोल्टेज लगा दो ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लो, एक जगह 25,000 करो, एक जगह जीरो वोल्ट क्रिएट कर लिया, डिफरेंस आप क्रिएट कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो, लेकिन अगर करंट ही नहीं फ्लो होगा तो डेंजरस की बात ही नहीं है ना। तो कहा जाता है ज्यादा डेंजरस करंट होता है, हाई करंट इज डेंजरस, हाई वोल्टेज इज एक्चुअली नॉट डेंजरस। बट सही बात नहीं है, अगर हाई वोल्टेज होगा तो कभी भी हाई वोल्टेज अगर है कहीं पे 25,000 है, कहीं पे जीरो है, ये हाई वोल्टेज है, बाय चांस कनेक्ट हो गए तो रिस्क है, डेंजरस हो जाएगा फिर वो। सो करंट इज अ मेन थिंग विच हार्म्स यू, ज्यादा डेंजरस करंट होता है, वोल्टेज इज नॉट एक्चुअली डेंजरस। बट अगर बाय चांस कनेक्ट हो गया 25,000 वोल्ट वाली लाइन जीरो वोल्ट से कनेक्ट हो गई तो फिर गए, फिर वो डेंजरस है, ठीक है। ये मतलब अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लू तो आप
जो ये पूछ रहे हैं ना कि सर वोल्टेज डेंजरस है कि करंट डेंजरस होता है, तो मतलब आप एक्चुअली में आप ऐसा पूछ रहे हो कि सर पेट्रोल डेंजरस है कि आग डेंजरस है, पेट्रोल डेंजरस है कि फायर इज डेंजरस, फायर लग गई तो डेंजरस है, लेकिन अगर पेट्रोल रखा है और फायर नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है, पेट्रोल भी डेंजरस है फायर भी डेंजरस है, ठीक है। हेलो सर, चलो काफी डिस्कशन हो गया। हाँ बोलो सर, वो जो आपने भी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में तीन पॉइंट है और उनका जो पोटेंशियल है वो V1 V2 V3 है, तो सर हाँ। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगा ना ऐसा? नहीं नहीं नहीं, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक्चुअली में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसमें हर जगह E का वैल्यू सेम होता है यूनिफॉर्म फील्ड में, लेकिन V का वैल्यू उसमें भी अलग ही होता है। V कभी एक मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो या यूनिफॉर्म फील्ड हो वो फर्क नहीं पड़ता है, वी पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है। जैसे जैसे आप फील्ड में आगे बढ़ते हो ना, एज यू मूव अवे इन द फील्ड, फील्ड में जैसे आप फील्ड में आगे बढ़ते हो तो पोटेंशियल चेंज होता है, भले वो यूनिफॉर्म फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। पोटेंशियल मतलब ऐसे फिक्स नहीं होता है कि हर पॉइंट पे फिक्स होगा तो वो यूनिफॉर्म फील्ड होगी, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल यूनिफॉर्म फील्ड में भी बदलता है हर पॉइंट पे, ठीक है। चलो मैं अभी स्टूडेंट नाउ विल मेक फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, काफी डिस्कशन हो गया, लेट्स मेक फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब जिसको मैं पूछूंगा वही स्टूडेंट मेरा एक क्वेश्चन का आंसर देगा। सपोज ये क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये क्यू नॉट चार्ज है, लुक एट इट, ये क्यू चार्ज है और ये क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज इन्फिनिटी पे है, क्यू चार्ज और क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट चार्ज इन्फिनिटी पे है। अब इसको आके यहां पे आपने रखा, क्यू नॉट चार्ज को यहां पे आके रखा, सो दैट इनके बीच में फाइनली आर डिस्टेंस है, ठीक है। अब जिसको मैं पूछूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा, क्यू नॉट को यहां से इधर आके रखा एट आर डिस्टेंस, इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क की मुझे वैल्यू चाहिए, हाउ मच वर्क विल बी डन टू ब्रिंग इट। अब मुझे पता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसका मैं नाम ले रहा हूं अभी वही स्टूडेंट आंसर देगा, आशुतोष गौर। यस सर। हाँ बता सकते हो फॉर्मूला क्या होगी वर्क डन की? हाँ सर बोलो। सर वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू। हाँ बोलते जाओ जल्दी बोलो। हाँ कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। यस ठीक है, वेरी गुड। सो देखो स्टूडेंट, हाँ ये आपने वर्क डन होगा ना, दिस इज अ वर्क डन टू ब्रिंग इट ओवर हियर, बराबर। अब ये जो आपने वर्क किया है, ये वर्क आपने इस क्यू नॉट को लाने के लिए किया है, इट्स अ वर्क डन टू ब्रिंग क्यू नॉट। अब अगले स्टेप में क्या करो, ये जो क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो, शिफ्ट क्यू नॉट ऑन द अदर साइड। आप लोग करो अपनी नोटबुक में करो, राइट डाउन दिस फॉर्मूला, हेडिंग आप ऐसे डाल सकते हो फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, फॉर्मूला फॉर वी। ये आप भले सिचुएशन जो डायग्राम है वो बना लो, ये लिखो, अगले स्टेप में क्या करो, प्लीज पास इस क्यू नॉट ऑन द अदर साइड, क्यू नॉट को दूसरी तरफ शिफ्ट करो, शिफ्ट दिस क्यू नॉट ऑन द अदर साइड, ठीक है कर लो। सो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, W बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q बाय R। अब याद है ये क्या चीज होता है, W इज अ वर्क डन, याद करो W जो आपने पहले लिखा, W इज अ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, डिवाइड बाय Q नॉट कर दिया, तो दिस बिकम वर्क डन पर चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। स्टूडेंट ये होता है पोटेंशियल ना, तो ये है पोटेंशियल, ये पता है किसका पोटेंशियल है, इट्स अ पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, यहां पे देखो इट्स अ पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो इस कैपिटल क्यू से आर डिस्टेंस पर, ये जो पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें मिल गया, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज गिवन बाय 1/4πε0
क्यू बाय आर। सो ये है पोटेंशियल की फॉर्मूला। देखो वर्क डन की फॉर्मूला से थोड़ी सी अलग है ये। वर्क डन की फॉर्मूला आपको याद है अभी तो, वर्क डन की फॉर्मूला में यहाँ पे क्यू इंटू क्यू दो चार्जेस आते हैं, यहाँ पर देखो एक ही चार्ज है, और नीचे गलती से भी आर स्क्वायर मत लिखना, इट्स जस्ट आर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने की ये फॉर्मूला है। ठीक है देख लो, क्लियर? हाँ सो मैं वैसे इसका एक बार ध्यान से देखो, इसको थोड़ा क्लियर करा देता हूँ। तो आज के बाद आप ऐसे याद रखो, सुनो, अगर ये क्यू है, इट्स अ पॉइंट चार्ज है बेसिकली, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर, फ्रॉम दिस चार्ज एट आर डिस्टेंस, यहां पर एक पॉइंट है। अगर कोई पूछ ले कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, हाउ मच इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, तो आपका आंसर होना चाहिए 1/4 pi epsilon 0, देन यू टेक दिस चार्ज एंड दिस डिस्टेंस क्यू बाय आर। ठीक है हाँ, तो ये है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, समझा? अब देखो इसमें ये जो 1/4 pi epsilon 0 है, ये कांस्टेंट है, 1/4 pi epsilon 0 will be always positive, it's constant है, इसकी value positive होगी, 9 × 10⁻¹। ये जो r distance दिख रहा है, distance, ये r भी distance है, ये कोई vector नहीं है, r is not any vector, it's a distance only here, तो r भी positive ही होगा, r zero हो सकता है, लेकिन r negative नहीं होगा, r is also positive, लेकिन ये जो q है, this q is this one, ये चार्ज अगर पॉजिटिव है, इफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव, तो पोटेंशियल भी इस पॉइंट पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव है, बाय चांस ये चार्ज नेगेटिव है, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। अब कुछ लोगों को डाउट आएगा कि सर थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि हमको प्लस चार्ज ही लेना है, माइनस चार्ज नहीं लेना है डेफिनेशन में। जो चार्ज आप इन्फिनिटी से ला के इधर रखोगे, याद है वो जो चार्ज हमने लाया क्यू नॉट, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो चार्ज है प्लस क्यू, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, ये चार्ज माइनस भी हो सकता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। जो चार्ज हमने लाया था इन्फिनिटी से, वो चार्ज प्लस वन कूलम होना चाहिए बाय डेफिनेशन, ये माइनस हो सकता है। रिमेंबर अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा ना, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल ऑल्सो बी नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज विल क्रिएट पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है सो ये है आज के बाद आपकी पोटेंशियल की फॉर्मूला जो आपको याद रखनी है। सो ये है पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज क्यू। ठीक है लेकिन पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग अपने दिमाग में रखो। इस फॉर्मूला से आपको यहाँ पे पोटेंशियल मिल जाएगा नो डाउट, बट फिजिकली मीनिंग क्या है? दिस इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इट्स एक्चुअली द वर्क डन टू ब्रिंग 1 coulomb ऑफ चार्ज एट दिस पॉइंट। 1 coulomb के चार्ज को यहां तक लाने के लिए जो वर्क होगा वो ये है। अगर ये जो चार्ज है जिसने फील्ड क्रिएट किया है, ये चार्ज नेगेटिव है, तो वर्क डन भी नेगेटिव, पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा। ठीक है पोटेंशियल कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर, इट इज नॉट अ वेक्टर एट ऑल। वेक्टर क्यों नहीं है? व्हाई इट इज स्केलर? बिकॉज इट इज एक्चुअली वर्क डन, पोटेंशियल इज एक्चुअली वर्क डन। वर्क तो स्केलर होता है, वर्क इज एनर्जी, इट्स अ स्केलर, पोटेंशियल भी स्केलर है। ठीक है ये फॉर्मूला नोट कर लो, क्लियर? कुछ कंफ्यूजन है तो अभी आप पूछ सकते हो। पोटेंशियल जो स्टार्टिंग टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट कर लिया, पोटेंशियल की फॉर्मूला हमने बना ली, क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है अब ध्यान से सुनो। So, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी पोटेंशियल के ऊपर ही है। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है हेडिंग डाल सकते हो ये स्टूडेंट्स, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है
हाँ अब ध्यान से देखो, सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब आप नाम पढ़ के समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस होंगे। देखो सपोज ये एक चार्ज है क्यू वन, ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है, इट्स अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर वन फ्रॉम दिस क्यू वन चार्ज। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर दो, वो बहुत ईजी है आपके लिए, आपने यहाँ पे वही सीखा है। अगर एक चार्ज है उससे r डिस्टेंस पर यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो आपने सीख लिया। डू यू नो द पोटेंशियल, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज? ये वन चार्ज है, यहाँ पे भी वन चार्ज है, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, लेट्स से वन मोर चार्ज इज देयर क्यू टू, वन मोर चार्ज इज देयर क्यू थ्री, टेक थ्री चार्जेस। देखो ये तीन चार्जेस हैं और इन प्रेजेंस ऑफ थ्री चार्जेस आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दैट हाउ मच इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तीन चार्जेस है और मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये जो पॉइंट है वो Q2 चार्ज से R2 डिस्टेंस पे है और ये जो पॉइंट है वो Q3 चार्ज से R3 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो कितने चार्जेस आपको दिख रहे हैं? थ्री चार्जेस। तो इन प्रेजेंस ऑफ थ्री चार्जेस सपोज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, सिचुएशन समझा? पहले आप ये हेडिंग डाल दो और ये एक छोटा सा जो डायग्राम है वो बना लो। पहले draw this, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। I want to make formula for potential। ठीक है, कैसे करेंगे? लॉजिकली हम लोग इसको कर सकते हैं। देखो थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। सपोज ये इन्फिनिटी है, मतलब इट्स अ प्लेस विच इज फार फार अवे फ्रॉम दीज थ्री चार्जेस। ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से एक बार बताओ, इन्फिनिटी से अगर आपने इन्फिनिटी से आप जब एक चार्ज को लेट्स से वन कूलम ले लो, व्हेन यू ब्रिंग वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, प्लस वन कूलम लाना है बाय डेफिनेशन, नो डोंट टेक माइनस। प्लस वन कूलम का चार्ज जब आप इन्फिनिटी से यहाँ पे आके रखोगे तो क्या लगता है, व्हेन यू विल ब्रिंग प्लस वन कूलम ऑफ चार्ज, सो Q1 उसको रिपेल करेगा कि Q2 रिपेल करेगा कि Q3 रिपेल करेगा? कौन मतलब हु विल अपोज यू व्हेन यू ब्रिंग वन कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट? जब आप तीनों अपोज करेंगे ना, तीनों मतलब तीनों की वजह से आपको वर्क करना पड़ेगा ना, एवरी ऑल थ्री विल अपोज यू, सो यू हैव टू डू वर्क फॉर बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ देम ना। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करने का, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या करने का, आप पहले अज्यूम करो कि सिर्फ Q1 प्रेजेंट है, सपोज सिर्फ Q1 प्रेजेंट है, सो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ Q1, सिर्फ Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो ये होगा। देखो देखो आप ध्यान से देखो, मैंने पोटेंशियल की फॉर्मूला ही लिखी है, बट इट इज अ पोटेंशियल एज इफ ओनली Q1 इज प्रेजेंट। सपोज सिर्फ Q1 प्रेजेंट है, हाँ मैंने तीनों जो चार्जेस लिए हैं Q1 Q2 Q3 तीनों पॉजिटिव लिए हैं, मैंने नेगेटिव भी हो सकते हैं डजंट मैटर, बट मैंने तीनों पॉजिटिव लिए हैं। देखो ये है पोटेंशियल बिकॉज ऑफ Q1, मतलब Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है वो है। सिमिलरली सी दिस, ये है पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ओनली Q2, सपोज खाली Q2 प्रेजेंट है तो सिर्फ Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पर ये वो है। एंड सी दिस, ये है पोटेंशियल जब सिर्फ Q3 प्रेजेंट है, लेट्स से ओनली Q3 इज प्रेजेंट, सो इन प्रेजेंस ऑफ ओनली Q3 अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो वो ये होगा। सो इट्स अ पोटेंशियल ड्यू टू Q3, ये है पोटेंशियल ड्यू टू Q2 और ये है पोटेंशियल बिकॉज ऑफ Q1। लेकिन आपने ही बताया कि तीनों प्रेजेंट है, तीनों उसको अपोज करेंगे, तो आप ऐसे मान लो कि तीनों अपना अपना काम करेंगे, तो इसलिए क्या होगा, तीनों का ये पोटेंशियल ऐड हो जाएगा। दिस इज अ टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। फिजिक्स में ऐसे ही होता है स्टूडेंट, अगर एक चार्ज के लिए आपने कर लिया, अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो आप फाइंड आउट द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ईच चार्ज, इनको प्लस करने पे टोटल पोटेंशियल आएगा। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टोटल पोटेंशियल, ये टोटल पोटेंशियल की फॉर्मूला है।
इसमें देखो 1/4 pi epsilon 0 कॉमन है, इन दी ब्रैकेट Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3 दैट्स इट. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ मेनी चार्जेस. पोटेंशियल एक पॉइंट पर आपने कैलकुलेट किया है बिकॉज ऑफ द मेनी चार्जेस. कल आपने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला बनाई थी, ऐसी ही कुछ थी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 charges वाली फॉर्मूला. ठीक है, तो मैं आपको 1 minute का टाइम दे रहा हूं, आप ये फॉर्मूला भी देख लो. और कल आपने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला की थी, पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम ऑफ 3 charges, जिसके ऊपर आपने न्यूमेरिकल भी किया था उस फॉर्मूला के ऊपर. सो दोनों फॉर्मूला देख लो, दोनों स्लाइटली डिफरेंट है, देख लो. उसके बाद अगर मैं आप में से किसी को भी कुछ पूछूं रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला, यू शुड बी एबल टू आंसर. लुक एट दिस फॉर्मूला. और वो जो कल हमने एक फॉर्मूला बनाई थी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 charges, 3 charges के सिस्टम की पोटेंशियल, वो भी देख लो. वो फॉर्मूला भी कुछ कुछ इसके जैसी है, समवॉट सिमिलर. ठीक है, लेकिन अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला देखोगे, उसमें पेयर ऑफ चार्जेस लेने हैं, Q1 और Q2 का पेयर, Q2 और Q3 का पेयर, Q1 और Q3 का पेयर. यहां पे पेयर नहीं है. इज दैट क्लियर? कुछ कंफ्यूजन है इस फॉर्मूला में तो पूछो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से. या एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ठीक है स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल का स्टार्टिंग टॉपिक हो गया, कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं पोटेंशियल में, बट मेजर टॉपिक ऑफ द पोटेंशियल इज क्लियर नाउ. नाउ बिफोर आई गो फर्दर, एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेंगे पोटेंशियल के ऊपर. ठीक है, राइट ऑन वन न्यूमेरिकल, राइट ऑन क्वेश्चन लिखो. 4 charges, राइट ऑन 4 charges of values, 4 charges of values plus 1 microcoulomb each. 4 charges of values plus 1 microcoulomb each are kept on the corners of a square, are kept on the corners of a square of side 1 meter, corners of a square of side 1 meter, full stop. Calculate the electric potential at the center of the square. Calculate electric potential at the center of the square. ठीक है, ये प्रॉब्लम मैं करा रहा हूं, डोंट वरी. बट आप पहले इसको रीड करो और इसका डायग्राम बना लो. जो भी चीज गिवन है क्वेश्चन में वो डायग्राम में शो करो. डू इट. सबसे पहले ये स्क्वायर आएगा. स्क्वायर के चारों वर्टाइसेस पर 4 charges रखे हुए हैं. सी दिस, ये चार्जेस को मैं ऐसे ही नेम देता हूं, Q1, Q2, Q3, Q4. एक्चुअली में ये चारों चार्जेस सेम है, ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 1 microcoulomb. हर चार्ज जो है वो 1 microcoulomb है, मतलब ये चारों चार्जेस इक्वल हैं. नाउ लुक एट दिस, ये देखो, लुक एट द स्क्रीन. ये जो पॉइंट है, इज इट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ना.
चलो सेंटर को मैं नाम देता हूं ओ. ओ इज अ नेम फॉर सेंटर. तो ओ का जो डिस्टेंस है किसी भी एक चार्ज से, उसका डिस्टेंस ले लो. ओ का जो डिस्टेंस है किसी भी एक चार्ज से, ये जो डिस्टेंस है उसको मैं आर बोलता हूं. लुक एट दिस आर. क्या आपको ये लगता है कि बाकी चार्जेस से भी जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम अदर चार्जेस, वो भी सेम है, वो भी आ रही है कि अलग अलग डिस्टेंस है? तो ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है आर, चारों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे है. सबसे पहले हम लोग ये आर को कैलकुलेट करेंगे. विल कैलकुलेट दिस आर. आर को ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर इज हाफ ऑफ डायगोनल. R is half of diagonal. अब diagonal कितना होता है? Diagonal is root 2 into side. So diagonal को मैं क्या लिख सकता हूँ? Root 2 into side. Side 1 meter है ना? Side is 1 meter. देखो, root 2 into side. This become diagonal. आपको ये याद होना चाहिए. Diagonal of a square is root 2 into side. And ये half multiply करो. तो स्टूडेंट आप खुद देख लो कितना आ रहा है आर का वैल्यू. आर का वैल्यू क्या आ रहा है? इट्स कमिंग 1/√2. देख लो ये कैसे निकाला. तो वैल्यू ऑफ आर इज 1/√2. ठीक है. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ. पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट पॉइंट ओ. तो पोटेंशियल तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो जब पॉइंट गिवन होगी. पॉइंट गिवन है, O पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. सो फॉर्मूला विल बी 1/4πε0. यहां पे आपको चार्जेस का पेयर नहीं लेना है, Q1 Q2 ऐसा पेयर नहीं लेना है. चार्ज और उसका उस पॉइंट से डिस्टेंस, मतलब Q1 और Q1 का डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट. ये देखो R ही रहेगा ना सारे चार्जेस का डिस्टेंस. ये देखो, सो फॉर्मूला क्या बनेगी? Q1/R + Q2/R प्लस Q3/R प्लस Q4/R. लेकिन अभी आपको पता है ये चारों चार्जेस जो है Q1 Q2 Q3 Q4 चारों इक्वल है, ऑल आर सेम. और नीचे जो ये R डिस्टेंस लिखा है वो भी सबके लिए सेम है. ये चारों टर्म सेम है, सो दैट्स व्हाई इट विल बिकम 4Q/R. सीधा 4 टाइम्स हो जाएगा. दिस ब्रैकेट आई कैन राइट ऑन एज 4Q/R. और 1/4πε0 की वैल्यू डाल दो, 9×10⁻¹. स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Q, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ R, सॉल्व करो एंड आंसर बताओ. इसको सॉल्व करो एंड गेट द आंसर. हाँ, क्या आंसर आ रहा है? माइक ऑन करके भी बता सकते हो. क्या फास्ट? हाँ, इसको सॉल्व करो. क्यू और आर का वैल्यू डाल दो जस्ट. सर 36√2×10³ आ रहा. 36√2×10³. यूनिट कुछ नहीं है. हाँ हाँ सर है यूनिट वोल्ट. पोटेंशियल कैलकुलेट किया ना, पोटेंशियल यूनिट वोल्ट होता है ना. हाँ सर वोल्ट. एवरीबॉडी क्लियर? इट्स 36√2×10³ वोल्ट्स. ठीक है, सो आंसर है 36√2×10³ वोल्ट्स. सो आई होप एवरीबॉडी गॉट द आंसर. सबको ये आंसर मिल गया. क्लियर एवरीबॉडी? समझा? ये कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो. लास्ट टाइम मैं आंसर फिर से बता रहा हूं, 36√2×10³ वोल्ट्स.
एग्जाम में अगर आ गया तो आप रूट टू की वैल्यू डाल के सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अभी मैं ध्यान से देखो, पोटेंशियल से रिलेटेड मैं नेक्स्ट एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से देखो। दिस न्यू टॉपिक विच आई एम स्टार्टिंग नाउ रिलेटेड टू पोटेंशियल ओनली, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बट ये आज फिनिश नहीं हो पाएगा, वी मे फिनिश इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। बट आज मैं एक स्टार्ट कर रहा हूँ एक पॉइंट, ओके। बट बिफोर आई स्टार्ट न्यू टॉपिक, वन न्यूमेरिकल आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क ऑल्सो, एक होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं, पहले होमवर्क एक प्रॉब्लम लिख लो, वन न्यूमेरिकल आई एम गिविंग एज अ होमवर्क, राइट इट डाउन, लिखो। देखो, टू चार्जेस ऑफ वैल्यू, प्लस 5 microcoulomb एंड -2 microcoulomb, टू चार्जेस ऑफ वैल्यू प्लस 5 microcoulomb एंड -2 microcoulomb, लिखा, आर कैप्ट ऑन द टू कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्टूडेंट, मैं अभी तक जो लिखा है वो रिपीट कर रहा हूं, टू चार्जेस ऑफ प्लस 5 microcoulomb एंड -2 microcoulomb आर केप्ट ऑन द टू कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 meter, ऑफ साइड 2 meter, फुल स्टॉप। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एट द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द थर्ड वर्टेक्स, मतलब तीसरे कॉर्नर पे, जो थर्ड कॉर्नर होगा ट्रायंगल का, फाइंड द पोटेंशियल एट द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने डेलिबरेटली दिया है, मैं ये मंडे को चेक करूंगा, और ध्यान से सुन लो, अगर मंडे आपका इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया मंडे को, सो वो स्टूडेंट को मैं सर को रिक्वेस्ट करके उस स्टूडेंट को मैं पूरे मेरे फिजिक्स के लेक्चर्स के लिए निकाल दूंगा बाहर। मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आई एम फीलिंग दैट देयर आर मेनी स्टूडेंट हु आर नॉट पेइंग अटेंशन, सो आई होप एवरीबॉडी रिटर्न द क्वेश्चन। एक चार्ज जो है वो प्लस 5 microcoulomb का है, दूसरा चार्ज -2 microcoulomb का है, ठीक है। अब देखो, मैं सिर्फ अगले टॉपिक का नेम बता देता हूँ, जस्ट हेडिंग आई विल गिव यू, टॉपिक नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी भी हम लोग पोटेंशियल टॉपिक पे ही हैं, एक और लेक्चर लगेगा पोटेंशियल को आगे बढ़ाने में, दिस इज द पॉइंट। अब देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है वो मैं खाली आज क्लियर कर देता हूँ। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल, ध्यान से देखो, सपोज वी आर हैविंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ये देखो मेरे पास दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस हैं देखो दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट है। सपोज ये जो चार्ज है वो है प्लस क्यू और ये जो चार्ज है वो है माइनस क्यू, तो दोनों इक्वल हैं, बोथ आर क्यू एंड क्यू, बट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दो चार्जेस है, तो एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दोनों के बीच में देखो कुछ डिस्टेंस है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। यू मस्ट हैव हर्ड दिस इन 11th ऑल्सो,
दिस थिंग दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल. ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है. ना सपोज क्यू और माइनस क्यू जो है, इन दोनों चार्जेस का जो मिड पॉइंट है, लेट्स से दिस इज मिड पॉइंट, ठीक है, ये मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट से एक एंड तक जो डिस्टेंस है वो एल है, मिड पॉइंट से दूसरे एंड तक जो डिस्टेंस है वो एल है. एल इज अ डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट टू द वन साइड. सो टोटल लेंथ ऑफ दिस डायपोल विल बी हाउ मच. डायपोल की टोटल लेंथ कितनी बन गई, इस डायपोल की टोटल लेंथ बन गई 2L. ठीक है, ओके. तो टोटल लेंथ ऑफ दिस डायपोल इज 2L. और ये जो चार्ज है Q, ये चार्ज को यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं. सो ये क्या हो गया, 2L इज अ लेंथ ऑफ दिस डायपोल, Q इज अ चार्ज, एनी वन चार्ज फ्रॉम डायपोल. क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज 2L इनटू Q? इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? डायपोल मोमेंट. It is called dipole moment. Correct. Denoted by this symbol P. ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली. I will tell you its direction, but P is a vector quantity, and this P is known as dipole moment. Small p आप लिख सकते हो. It's usually small p. इसको बोलते हैं dipole moment. ठीक है? हाँ. Clear? P का अगर मैं डायरेक्शन आपको बता दूं, P का डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ. डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डायपोल. तो स्टूडेंट ये देखो, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द P. P का डायरेक्शन ऐसा होगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ खाली वो बता देता हूँ. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ये जो डायपोल है ना, डायपोल मतलब यहाँ पे